एक्चुअली हम आज मसूरी का प्लान कर रहे हैं और हिमांशु आए हैं, ये हमारे हिमांशु हैं, हमारे साले साहब जी, और सब प्लान कर ही लिया है मसूरी जाने का, वो भी बाय जुपिटर के भाई। बाय बाय। फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, जाम लग रहा है थोड़ा बहुत, अभी हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। ओके गाइस, आगे मिलते हैं। ओके गाइस, हम घंटाघर पहुंचने वाले हैं। ये घंटाघर वाली रोड है, आपको दिख रहा होगा यार घंटाघर का वो, तो ये रोड अभी सुनसान पड़ी है। फाइनली हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जाम आज थोड़ा कम लग रहा है मुझे। देखो कितना प्यारा व्यू है घंटाघर का। अभी लगभग यहाँ से घंटाघर से मैक्सिमम 35 से 40 किलोमीटर का रास्ता है मसूरी का, तो हम निकल पड़े हैं। और मौसम तो यहाँ अभी थोड़ा गर्म है, मसूरी जाके देखते हैं कैसा मौसम मिलता है हमें। ओके गाइस, अब मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, ये हम दिलाराम चौक आ गए हैं। ये देखिए दिलाराम चौक, ये घंटाघर से थोड़ा सा आगे है। हेलो गाइस, फाइनली हम राजपुर रोड आ गए हैं। आप यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये राजपुर रोड की जो खूबसूरती है वो कहीं नहीं है। कितनी साफ़ सफाई है और कितना प्यारा वो पेड़ लगे हुए हरे भरे, बहुत अच्छा व्यू है राजपुर रोड। बस आप कभी आइए मसूरी तो राजपुर रोड होते हुए जाओगे तो एक व्यू देखना इसका। दोस्तों फाइनली हम राजपुर रोड पहुँच गए हैं, ये मसूरी रोड है। तो अभी तो हमें जाम ज़्यादा नहीं मिला है, सब बहुत अच्छा है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी हल्की हल्की है, हिसाब से हमने सोचा था जाम मिलेगा, मगर हमें जाम। हेलो गाइस, फाइनली हम शिव मंदिर पहुंच गए हैं। बहुत प्यारा मंदिर है यहाँ का ये, और सबसे पुराना मंदिर है देहरादून का। यहाँ पे हम मत्था टेक के ही जाएंगे। और हम मैगी पॉइंट पर रुक गए हैं, ये मैगी पॉइंट है, ये है मैगी पॉइंट। हेलो गाइस, फाइनली हम मैगी पॉइंट से निकल चुके हैं और ये हमारा मसूरी रोड है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, पहाड़ी पहाड़, पौधे ही पौधे, पेड़ ही पेड़, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी यहाँ पे। तो देहरादून में टेम्परेचर इसमें बहुत हाई होगा, मगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है। हेलो दोस्तों, ये देखो पहाड़ी रास्ता है, तो जब भी आप मसूरी आए तो ड्राइविंग बिल्कुल सेफ करिए और संभल के चलाइए गाड़ी। ये देखिए, और व्यू देखिए अब कितना प्यारा है, आप भी देख सकते हैं। गाइस ये देखिए, हम थोड़ी देर रुके थे तो यहाँ देखिए क्या व्यू है, पूरा देहरादून दिखाई देता है यहाँ से नीचे से। देखिए आप, मैं जूम करके दिखाया था आपको, ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये हमारे हिमांशु जी। और हिमांशु आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हेलो गाइस, फाइनली ये हमारा लास्ट पॉइंट है मसूरी का, ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है, हिल पॉइंट मसूरी का। हेलो, यहाँ पे हिमांशु अपनी फ़ोटोग्राफी करता हुआ, ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफी अच्छी करते हैं। हमने सोचा चलो जलजीरा पी ले, प्यास बहुत लग गई थी दोस्तों, बट यहाँ का व्यू देखिए, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या व्यू है यहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप भी आइए ज़रूर इस गर्मियों में मसूरी घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, हम मसूरी पहुंच गए हैं लगभग, तो आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बट यहाँ का मौसम देखिए और व्यू देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे इतनी भीड़ है, सब लगता है छुट्टियाँ मनाने यहीं आ रखे। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है इस समय, ये देखिए पूरी कारें फंसी हुई इधर की साइड, बट हम आए एक्टिवा से हैं तो धीरे धीरे निकल जाएंगे यहाँ से। गाइस हम फाइनली मसूरी पहुँच गए हैं, ये देखिए थैंक्स फॉर योर विजिट मसूरी। और यह है मसूरी, यहाँ से स्टार्ट होता है, यह है पार्किंग एरिया मसूरी का। इस समय भीड़ ज़्यादा है, ये देखिए आप। हेलो गाइस, यह है माल रोड। ये माल रोड की मार्केट,
बहुत प्यारी मार्केट है यहाँ की। ये माल रोड कितना रस है, इस समय छुट्टियाँ पड़ी है तो बहुत रस है माल रोड। ये फन हेलो गाइस, ये देखिए सनसेट व्यू, यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा। अरे बहुत मज़ा आ रहा है यार, क्या ऑसम सीन है, सनसेट देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। क्या व्यू है, ये सनसेट होता हुआ। दोस्तों आप अगर आप फ्री हैं तो जरूर आइए मसूरी घूमने के लिए इन छुट्टियों में। लोग ऐसे एंजॉय करते हुए माल रोड पे। हेलो गाइस, 7:30 हो गए हैं शाम के और इस समय व्यू देखिए माल रोड का। और ये हमने रिशु के लिए 2 खिलौने ले लिए हैं, देखते हैं रिशु को पसंद आता है कि नहीं। फाइनली 2 खिलौने मिले हैं हमें, 2 कार मिली है, रेड एंड ब्लैक है। और हमारा पैसों के टॉय बन चुके हैं। हेलो, अच्छा जी आप ये देखो, ये दिल्ली से आए हैं और आपको कैसा फील हो रहा है बता सकते हैं मेरे को? बियर पिला दो बस। ओके गाइस, देखते आगे वाइन शॉप मिलेंगे तो बियर भी पी लेंगे। आप दो ना बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि कुछ मिल जाए, ठीक है। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, अभी ये है पिक्चर पैलेस का। अब यहाँ का व्यूज आते नाइट का। हमने पता किया तो यहाँ की जो मार्केट होती है वो मैक्सिमम 2:30 तक ओपन रहती है नाइट पे, तो आप रात के 2:30 तक अपना यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। तो अभी तो हम चेक करते हैं कि होटल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, अभी होटल का पता करते हैं। फाइनली रुकने का प्लान बन रहा है हमारा। फाइनली हमें होटल नहीं मिला है, बहुत कोशिश करने के बाद हम होटल ढूंढते रहे, मगर इतना रश था कि हमें होटल नहीं मिला है। तो अब हम निकल रहे हैं देहरादून को अपने घर। हमने सोचा कि यार 2-3 घंटे में घर ही पहुंच जाएंगे, तो हमें फ़ायदा नहीं था रुकने का। लेकिन नज़ारे देखिए नाइट के, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं देहरादून, तो लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा देहरादून पहुंचने में, ठीक है। आगे के गाइस, हम देहरादून निकल रहे थे तो हमें अच्छा सा व्यू दिखा, तो हमने सोचा चलो ब्लॉगिंग करते हैं। ये देखिए रात के 10 बज गए हैं और व्यू देखिए आप, ये हमारे हिमांशु, ये भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए आप भाई लोगों, जो मसूरी में रात का मजा है ना, किस चीज का मजा? रात का मजा, जो रात का व्यू देखने का मजा है ना भाई, वो कहीं नहीं है। रात का मजा, हाँ, इसलिए अच्छा हमको सिखा रिया है। आपको एक सजेस्ट देता हूँ भाई, चाहे आप दिल्ली में हो चाहे बॉम्बे में हो, तो आप रात को मसूरी आइए, दिन में मत आइए, रात को ही आइए मसूरी और देखिए क्या व्यू है। ओके गाइस अब आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, ये देखो नाइट व्यू मसूरी का कितना प्यारा लग रहा है, और हमें 10:30 बज गए हैं रात के, और व्यू देखिए आप नाइट, ये पूरा देहरादून है, यहाँ से पूरा देहरादून दिखता है। हेलो गाइस, फाइनली हम देहरादून निकल रहे थे तो रास्ते में सोचा कि मैगी पॉइंट में कुछ खा लें, बट यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए इस समय 11:30 बज रहे हैं, तो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस समय आज, देखिए आप। ओके गाइस, अब हम यहाँ से घर निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा ब्लॉग। ओके गाइस।